जुल्म आज तक। नमस्कार, जुल्म आज तक न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती सिंघवी। आइए नजर डालते हैं खबरों की। जिला रामपुर के तहसील शाहबाद में पंडित वेद प्रकाश शर्मा के आवास पर मुस्लिम राष्ट्र मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हाजी जाहिर अहमद प्रदेश संयोजक उपस्थित रहे। दुनिया के अनेक मुस्लिम देश मान चुके हैं अयोध्या मुद्दे पर। कहा कि इस विवाद को हमें भाई भाई की तरह सुलझाना चाहिए। हम सभी बाबा आदम की औलाद हैं। यदि राम मंदिर मुद्दे पर हम मुस्लिम भाई नर्म रुख अपनाते हैं तो ये भाईचारे के लिए दुनिया में मिसाल बनेगा। आज तक हमारा समाज जो शिक्षा के स्तर से बहुत काफ़ी पीछे है। शिक्षा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी मुसलमान सबसे पिछड़ा था, सबसे पीछे था। तो देखिए, कुछ हमारे जो आरएसएस के मालिक, जो हमारे संचालक जी थे, जो केशव सुदर्शन जी और बाकी कुछ बुद्धिजीवियों के माध्यम से इस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का गठन किया गया सन 2002 में। और इसने काफ़ी मेहनत करने के बावजूद आज हिंदुस्तान में वो मकाम हासिल किया है जो कि बहुत ही बुलंद और बाला है। आज लगभग 21 और 22 स्टेटों में इसका गठन हो चुका है। जन जागरण का मेन उद्देश्य यह है, जनता को जागरूक करना, जनता को उनके फराइज और उनके हुकूक बताना, जनता को के बीच जो हमारे मसाइल हैं उनको रखना। देखिए, हम लोग कुर्बानी करते हैं, हमारे समाज में लोग कुर्बानी करते हैं। मैं गारोक्सा फाउंडेशन चला रहा हूँ जो समाज में कुर्बानी करते हैं, गाय की कुर्बानी, ये बिल्कुल नजायज और हराम है। जब हम जो हमारे देश का कानून है वो हमारे लिए फायदे है और कुर्बानी हमारे ऊपर वाजिब है। देखिए, हमारा पड़ोसी अगर किसी बात से कोई नाराज़ है, किसी हम किसी काम को कर रहे हैं, पड़ोसी का दिल दुख रहा है, तो पड़ोसी का दिल दुखाना इतना बड़ा गुनाह है जैसे खाने काबा ढा दिया। क्योंकि ये हमारे आका का फरमान है, पड़ोसी का दिल मत दुखाओ, उसको साथ लेकर चलो। देखिए, एक बार हमारे आका दो जहाँ बैठे हुए थे और वहाँ पर काफ़ी सहाबा बैठे थे। वहाँ कुछ सहाबा ने पूछा है आका, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ प्यारी है? तो मेरे आका ने फरमाया कि दो भाई आपस में झगड़ा हो, जो आपस में इत्तेफाक ही हो, जो उनको आपस में मिला दे, मुझे सबसे ज़्यादा उसका प्यार है। तो इसलिए हम भाईचारे की बात करते हैं और इंसानियत की बात करते हैं। हम चाहते हैं आपसी दूरियाँ ख़त्म हो और भाईचारा हमारे देश में बढ़े। रामपुर से निशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।